आज बिलमने शेतवान में जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तदाई रब्बी जली के पापर कत नाम से दिलों के खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को मेरी तरफ से बेटा हशद हुआ उसला। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और पुरसकून की ज़िंदगी बसर करते रहें, आमीन सुम आमीन। हाँ, जैसे चावल देख के आपको पता नहीं लग पता गया होगा कि नहीं, आज हमने दिया ग्यारहवीं शरीफ, ठीक है। और ये चिड़ियों का हिस्सा, सारों ने खाए तो मेरे ख्याल से बच्चों ने खाए तो वो बच्चे चिड़िया को डालते हैं भाई, ठीक है। और जुम्मे का दिन, लेकिन फिर भी आज मैंने मशीन गई, थोड़े से कपड़े दो तीन मशीनें हैं, मैंने कहा दो दूँ, बस ये वाले निकालूंगी और ये डालूंगी। और हवा काफ़ी तेज़ जा रही है, नज़र आ रही है ये देखें, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ है। ये मैं से बच्चे आए थे स्कूल से, तो लंच वगैरह दो दिन, आज वो नूडल लेके गए थे, बैठ के बाहर पड़े हुए बच्चे। हाँ वेरी गुड, हाँ तो बेबी वाला भी ले जाते ना, बेबी वाला भी ले जाते ना। और ये इनके दादा ने रखे हैं, पता नहीं अपना कोई दोस्त है डॉक्टर उसके लिए, और ये नई बोतल लाए बड़ी प्यारी, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ग्यारहवीं शरीफ दे चुके, तो अब आखिरी काम रहता था जैसे झाड़ू लगाना, तो जो सुबह वैसे धोया था लेकिन अभी यार नहीं दिया, तो चावल चावल झाड़ू लगाते कल सैटरडे संडे ऑफ होगा, बच्चों ने कहा कि अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अभी ये खेल नहीं मस्तर से आए, तो इंशाल्लाह फिर रात के टाइम इनको पढ़ाऊंगी। और आज मेरा व्लॉग इसलिए लेट हुआ क्योंकि आज सारा टब्बर ही बार था, तो जुम्मे वाला दिन था तो बहुत ज़्यादा होता है काम वगैरह करना घर का, और गैरिंग वगैरह भी देनी थी, तो वैसे तो देख पाई है लेकिन फिर भी करना पड़ता है काम, ठीक है। ये इनके अंदर चले गए, अब ये मैं उठाती हूँ, किधर गया बाहर मैच हो रहा है, जरा मैच का भी नज़ारा दिखाती हूँ अगर दिखाने हुआ तो, ठीक है। चावल तो नहीं थे, बस कूड़ा बहुत निकला है, मैंने लगा दिया वेरी गुड, मैं अंदर ले जा रही हूँ। वो क्वेश्चन ये इसकी चादर, क्योंकि कल मैंने वो धोए थे और उस सोफे की चादर इधर आई हुई है, और टाइम मिलेगा ये चादर उधर जाएगी और वो इधर का लाटे खुदा के बंदे बंद भी नहीं करके जाते, मेरा ही की काम है लाटा बंद करना। चलो जी आ गए, बस एक मशीन निकाल के आ गई थी, कपड़े धो रही थी, पहले भी आपको बताया था, और एक जो निकल आया
जैकेट रह गई, पिछले मेरे ख्याल से भी गलती नहीं धोई थी, अब मैंने कहा धो दूँ उनको, निकाल देते हैं साथ साथ डालते हैं और कपड़ों को। ओए ओए ये देखें जी, दिल मिला है मेरे बेटे को, हैं मैडम ने दिया, मैडम ने छोटे वाले। अच्छा पहला प्रोड उतर गया और ये मैंने डाल दिए, अब दूसरा निकलने में 2-4 मिनट रहते हैं, तो मैं गप शप लगा देती हूँ। बड़ा अच्छा खाना खाने की मुझे याद आया, मेरा बड़ा बेटा है ना, कहता है आज मेरे साथ, अब उन्हें उससे पूछा कि आज तुमने डोनट खाया रात को जो लाए थे, कहता है ले के तो गया था लेकिन नसीब नहीं हुआ, कहते कैसे आज दोस्त ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, मैंने कहा कैसे बुरा किया, पूछा है तब मैंने, तो कहता है कि ये आज दोस्त ने मेरे साथ हाथ कर दिया है, मैं उसने मुझसे मांगा डोनट, मैंने कहा नहीं दूंगा, कहता है जाके आज उनकी मैम की बर्थडे भी थी किसी की, तो कहता है बर्थडे मैंने हम लोगों ने विश की, तो साथ ही कहता है देते नहीं हो ना डोनट्स, हमें तुम्हारा साथ जो ठीक करता हूँ ज़रा हाल तुम्हारा, कहता है गया है तो, कहता है मैम वो आपके लिए जो है ना लाया है डोनट खान, तो कहते हैं जो है ना ले दो। अच्छा जी कह रहा था कि डोनट लाया हूँ, तो हंस हंस पड़ा, फिर कहते हैं कि मैम वो अब्दुल्ला आपके लिए डोनट लाया है, तो फिर मुझे मजबूरन देना पड़ा, मैंने कहा तुमने कैसे डोनट दिया, कहता मैंने दिल पे हाथ रख के डोनट दिया है, क्योंकि आपको पता है मैं ऐसी ऐसी चीज़ें खाने के लिए देता नहीं किसी को, यही बात है पिज़्ज़ा देख ले बर्गर देख ले तो अब्दुल्ला बेहोश हो जाता है पागल, वो देता नहीं है एक बाइट भी किसी को खाने के लिए, हाँ अगर फुल हो तो फिर तो दे देता है, अदरवाइज नाम ही ना लेना मांगने का, उल्टा अपना खा के दूसरों का लेने वाला बंदा। मैंने कहा आज तेरे साथ सही हाथ हुआ है, मैं कोई डोनट खिलाना पड़ा, कहता क्या करो यार यार तुम्हें इसे भी तो था, दोस्त को कहता यार थोड़ा सा आधा तू ले ले आधा मैं ले लूँगा, शेयर करता तो बेहतर था, तो शेयर नहीं किया तो फिर पंगा भी उसने ले लिया से मेरे से। अच्छा ये होगी इनके स्कूल के बाद क्या शब अपने बच्चों के, ये और ये मेरी मशीन में निकले टिक के बाद ये सीटी नहीं मारती हमारी जो है ना, सिर्फ टिक करके शरीफों की तरह बंद हो जाती है, और शरीफ लोग हैं सीटियाँ नहीं मारते, हमारी जो मशीन है वो भी सीटियाँ नहीं मारती है, कूड़े नहीं बाटी गई थी वैसे आज कूड़ा भी सुबह का है। कैसी लगी मशीन, ड्रायर हो रहा ठीक है बस ख़त्म हो गया, अलहमदिल्ला डाल दूँ बस गिराट लगी है, डालूँगी आज सोचूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँगी क्या बनाऊँगी, और खाया पिया इतना नहीं और बॉडी ढेर हो गई, क्या करूँ आज क्या बनाऊँ, मेरे हाल से क्या मन करते शफकत जी और निकलोगे, हाँ शराफत ना लेंगे और गड्ढी जुलमी कीमा मैंने निकाल लिया मेरे ख्याल से, यही हाफ के जी है मेरे ख्याल से, इसको मैं भिगो देती हूँ, और आज हम बनाएंगे कड़े कबाब, बनाते चपली कबाब बनाते हैं अच्छे से, और इसके लिए मंगवाना पड़ेगा मुझे कॉर्नफ्लावर और चपली कबाब का मसाला, ज़बरदस्त से आज बनाएंगे इंशाल्लाह, और पानी मेरे ख्याल से कम हुआ हुआ है, और जाके मोटर भी ऑन करनी पड़ेगी बंद कर जब अकेला काम करने वाला बंदा हो तो उसका काम ही नहीं ख़त्म होता। मोटर ऑन होगी
ये लो मोबाइल का सौदागर एक आ गया। हट भाई कितना डांस करता है तू मोबाइल में। मोबाइल दे दूं क्यों किस चक्कर्स में है? ओके इस चक्कर्स में तुम्हें मोबाइल दे रहा हूँ। किधर गए अबू? वो काम गए किसी। अच्छा ये बड़े शूज प्यारे हैं। अटर दिखाओ अपने पहले शूज। हाउ कितने सोने हैं, कितनी सोनी पैंट है और अबू भी सोना है। मस्ती ना करो ना यार। कौन है? अच्छा ले आओ यार मोबाइल तो दे दो, एक ही दो चीज देखूंगा। वालेकुम सलाम। बस दोस्तियां भी आ गई हैं मशरूम है ना। अच्छा मैंने बताना था कि मेरे जो है ना अच्छा मैम हाँ याद आ गया यार हमारी तो एनिवर्सरी भी है कल। हमारी शादी के 12 साल हो जाएंगे। आपका 10 दिन हूँ मैं भाई। रुको तो जान छूटे कसम अल्लाह थक गई अब उठ गई। उसके बाद मैं कहती हूँ सबसे पहले पहले फारोग हो जाऊँ जान छूट जाए फिर मैं कॉर्नफ्लोर और चकली मसाला मंगवाती हूँ। बेटा आ गया मेरे यहाँ से पहले मंगवा लेती हूँ। चल ये अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े धुल गए और ये सारे जो है ना यूनिफॉर्म के ही हैं। कोई घर के कपड़े नहीं हैं सिर्फ एक दो चार ही होंगे। दो चार के दो तीन ही होंगे सिर्फ। वो एक स्वेटर फालतू है मेरे ख्याल से, एक पैंट फालतू है, बाकी सारे स्कूल गए। और ये जी मैं अपने धोपी के कपड़े हैं ठीक है। ये जो कमीज शलवार एक दुपट्टा नज़र आ रहा है गरीब का स्वेटर का शदीद गंदी थी इसलिए धोई है। वैसे धोने का कोई प्लान भी नहीं था। अंदर चलते हैं आप अंदर वालों की बारी है। क्या करें अंदर आके ईमा मैंने पहले बताया था प्रॉब्लम है और भगोती है इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। और साथ उनके लंच बॉक्स भी साइड पे रख देते हैं निकाल के ठीक है। और ये धोने वाले पत्ते भी हैं इनको भी हम सेपरेट कर देते हैं ठीक है। ये मैं उठा के ऊपर शेल्फ के ऊपर रख दूँगी ताकि फिर यूज हो जाएंगे। ऐसे करके डिबी डिबी बना कर बेटे को चीज़ें लेने के लिए भेजा था वो पता नहीं लेने गया कि मेरे ख्याल से बनाने चला गया फैक्ट्री में। फैक्ट्री शैक्ट्री में पहुंच गया। आज जी हम बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म के चीज़ चिकन सैंडविच और साथ हम बनाएंगे चपली कबाब और साथ बनाएंगे ग्रीन चटनी हरी मिर्चें हरी पुदीना और हरा धनिया अपने बाग का है ठीक है। वो जब मैं तोड़ने जाऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी ठीक है। और वो मेरी पकाने वाली वीडियो कुकिंग वाली वो अलग होगी वो मैं सेपरेट बनाऊंगी। सो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है ठीक है। हूँ भांडे भी धोने ना सारियां गल्लां आपके साथ तो नहीं करनियां है मैंने। हैं जी अकेली बंदी हूँ बर्दाश्त करो। और इसी के साथ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और रेड बटन का निशान है उसको प्रेस करेंगे तो बेल आइकन का निशान होगा और उसको ऊपर वाली बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी हर वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, अच्छी लगी तो शेयर भी कर दिया करें और दिखाओ। मैं वैसे देती हूँ, ये कीड़े हैं, ये बंद गोभी है और यह नेशनल का कॉर्नफ्लावर है, वाह जी वाह, और नेशनल की चपली कबाब मसाला है और समझ के होंगे बता भी दिया है क्या बनाऊंगी आज। चलें खैर, ढेर सारी दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, भरपूर ज़िंदगी बसर करते रहें और पांच वक्त की नमाज़ पढ़ें और दूसरों को भी कहें और कुरान भी पढ़ा करें। जिस घर में कहते हैं कुरान नहीं खुलता वहाँ पे अंधेरा छा जाता है। और अपने अल्लाह को याद करें जिसने हमें पैदा किया है, ठीक है, और जो हर चीज़ का मालिक है, कादर है, अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया करें क्योंकि अल्लाह पाक ही देता है, उसी के खजाने में से आए हुए हैं, हर चीज़ मिली है हमें और अल्लाह ही हर चीज़ पर कादर है और कुदरत रखने वाला है। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला के घर का दीदार नसीब हुआ आप लोगों को और आप लोगों के इतफ़ैल हमें भी अल्लाह पाक अपने घर में बुलाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए और जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी मगफरत अता फरमाए। अल्लाह पाक बस उनके पीछे दुआ नमाज़ पढ़ते हुए इसलिए कहती हूँ नमाज़ पढ़ा करें कि दुआ नमाज के बाद करते हैं तो वो दुआएँ उनके तक पहुँच जाती हैं। और जब हम भी इस जहाँ से जाएँगे तो हो सकता है हमारे पीछे भी कोई हाथ खड़े करने वाला हो और दुआ मांगे और हम जो अगर अजाब में हुए अल्लाह माफ़ करे, मगरत फरमाए, सगीरा को बिरा गुनाह माफ़ फरमाए तो अल्लाह पाक हम पे भी अपना करम फरमाए और रहम फरमाए। ढेर सारी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और अगर चैनल पर रहें नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।